दोस्तों आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो कहानी है एक मरमेड और एक इंसान की लव स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और कर दीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब और चलते हैं हम आपको लेके अपनी कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि रात का समय है और समंदर है, दो मछुआरे अपनी नाव लेके कहीं जा रहे हैं। तभी उसमें से एक मछुआरे की नजर पानी पे पड़ती है और उसमें से निकलती है एक जलपरी। उसमें से एक मछुआरे की नजर जब जलपरी पे पड़ती है तो वो उसे बुलाने लग जाता है और जलपरी उसके पास आ जाती है। तभी दूसरा मछुआरा उस पर चाकू से हमला कर देता है। जलपरी वहां से भाग जाती है और बहुत सारी जलपरियां लेके आ जाती है। उसमें से एक जलपरा उछलता है और सीधा उनके सर पे वार करता है और एक नीली रोशनी के साथ उनकी सारी यादें खींच लेता है। असल में वो चाहता था कि वहां पे जो हुआ है वो सब वो भूल जाए। तभी योंग के रडार पर कुछ दिखाई देता है। वो अपने बॉस को बुलाता है। असल में योंग एक साइंटिस्ट है जो मरीन लाइफ पे रिसर्च करता है, जो अपनी टीम के साथ इन जलपरियों को ही खोज रहा था। उसका बॉस उसे कहता है कि मेरी 10 साल की मेहनत आखिर काम आ ही गई, आज मुझे मरमेड्स मिल ही गई। और योंग से कहता है कि ये सब मुमकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। योंग अपनी टीम को लेके वहां पे पहुंच जाता है और चारों तरफ से जलपरियों को घेर लेता है। इससे पहले कि जलपरियां कुछ समझ पाएं, वो उन पे गन चलाना शुरू करवा देता है। असल में ये गोलियां ट्रैंक्विलाइजर गन की होती हैं। एक गोली एक मरमेड को लगती है, वो बेहोश हो जाती है और योंग उसे अपनी नाव पे ले जाता है। जैसे ही वो अपनी नाव पे पहुंचता है, पैट्रियार्क उस पे हमला कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद योंग पानी की गहराइयों में डूबना शुरू हो जाता है। तभी पानी के अंदर एक जलपरी आती है और उसे बचा लेती है। अगली सुबह जब योंग उठता है तो वो खुद को एक अलग जगह पे पाता है। उसके पास एक लड़की बैठी हुई मिलती है। उसके पास बैठी लड़की उसे बताती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है और साथ ही साथ तुम्हारे कपड़े भी बदले हैं जो कि बिल्कुल भीग गए थे। ये सुनकर योंग वहां से उठता है और जाने लग जाता है। तभी उस आइलैंड के लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हमारे कबीले का नियम है, जो लड़की किसी को बचाती है उससे उसकी शादी होती है, और जबरदस्ती उसकी शादी उस लड़की से करवा देते हैं। रात के वक्त जब वो लड़की सो जाती है तो योंग वहां से उठ के भाग जाता है और समंदर के किनारे खड़ी एक नाव को धक्का देके पानी में उतार देता है। जैसे ही वो नाव आगे बढ़ाता है उसे वो लड़की उसी नाव में बैठी मिलती है और आखिरकार उसे उस लड़की को अपने साथ ले जाना पड़ता है। वो लड़की उसके घर पहुंचकर नहाने की जिद करती है। जब वो नहा रही होती है तो सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसमें पैट्रियार्क जो जलपरियों का सरदार होता है वो सारी मरमेड्स को डांट रहा होता है क्योंकि एक जलपरी ने योंग को बचाया था। इस पर जलपरी पैट्रियार्क को बताती है कि ये चीफ साइंटिस्ट योंग है जिसके जरिए हम अपनी खोई हुई जलपरी के पास पहुंच सकते हैं। असल में योंग को बचाना और उससे शादी करना ये जलपरियों द्वारा बनाया गया एक प्लान था जिससे वो अपनी खोई हुई जलपरी को वापस ला सके। अगली सुबह जब योंग ऑफिस पहुंचता है तो उसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सब सोचते हैं आखिर ये जिंदा कैसे है। योंग की कलीग उसे लैब में ले जाती है जहां पर उन्होंने जलपरी को रखा था, जहां पर जलपरी को एक शीशे के बॉक्स में कैद किया गया था। इसी बीच योंग का बॉस आता है। वो योंग को देख के बहुत खुश होता है। योंग का बॉस उसे बताता है कि मरमेड से एक तरह का टॉक्सिन निकाला जा सकता है जिसे जियोटॉक्सिन कहते हैं। इस जियोटॉक्सिन के जरिए किसी भी इंसान के जीन्स को चेंज किया जा सकता है। लैब से निकलकर जब योंग शाम को घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि घर पे तो वो लड़की है ही नहीं, वो कहीं बाहर निकल गई है। योंग उसे खोजने के लिए बाहर जाता है। वो रास्ते में उस लड़की की तस्वीर दिखा के बहुत सारे लोगों से पूछता है लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। जब उसे ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है तो आखिर में वो लड़की कुछ लड़कों के साथ खड़ी हुई दिखती है। जब योंग उसके पास पहुंचता है तो वो लड़की उससे कहती है तुम मिल गए। तभी उसके साथ खड़े लड़के उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। योंग उनका विरोध करता है तो वो इसकी पिटाई कर देते हैं। जैसे तैसे वो जलपरी को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर योंग उसे एक फोन देता है और कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो इस फोन से मुझे कॉल कर सकती हो। लेकिन वो लड़की जिद करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूंगी। जब वो इस बात पे ज्यादा फोर्स करती है तो योंग मान जाता है
और अगले दिन उसका मेकओवर कराने के लिए बाहर ले जाता है। ऑफिस पहुंचकर योंग जलपरी को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद लैब में चला जाता है। लैब में जाकर जब वो पकड़ी हुई जलपरी को देखता है तो वो शॉक रह जाता है। वो देखता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आखिर एक दिन में इतनी ज्यादा हालत कैसे खराब हो सकती है। जब ये बात वो अपनी कलीग से पूछता है तो वो उस पे झल्ला उठती है। इसके बाद योंग ये बात अपने बॉस को बताता है। उसका बॉस इसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि ये बहुत ही यूनिक प्रजाति है और इसके बारे में हमें एक नई चीज भी पता चली है। ये कहकर वो जलपरी के पैरों पे पानी डाल देता है और उसके पैर ट्रांसफॉर्म होकर मछली के पर बन जाते हैं। इसी बीच बाहर बैठी जलपरी लैब में आ जाती है। अंदर पहुंच के जलपरी देखती है कि पकड़ी हुई जलपरी को कैद किया गया है। वो किसी तरह खुद को संभालती है और योंग के साथ वापस चली जाती है। वहां से निकलकर वो सीधा शॉपिंग मॉल जाते हैं। योंग वहां से कुछ कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा होता है और उसके दिमाग में बार बार वही बात चल रही थी जो उसके बॉस ने बताई थी कि अगर उनके पैरों पर पानी डाला जाए तो उनके पैर ट्रांसफॉर्म होकर पर बन जाते हैं। अब योंग को भी धीरे धीरे जलपरी पे शक होने लगा था। वो जब घर पहुंचते हैं तो योंग जानबूझकर उसके पैरों पे टेबल पे पड़ा ग्लास का पानी गिरा देता है। असल में जलपरी का पैर ट्रांसफॉर्म ना होने के पीछे एक कहानी थी। जब जलपरी योंग के साथ वहां से आ रही थी तो पैट्रियार्क ने उसे जलपरियों का एक खानदानी मोती दिया था जो उसके अंदर वो एबिलिटी लाता था जिससे उसके पैर ट्रांसफॉर्म होके पर में नहीं बदलते थे। अगली सुबह योंग देर से उठता है तो उसके बॉस का कॉल आता है। आज कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ऑफिस बंद रहेगा। छुट्टी होने की वजह से योंग जलपरी को लेके घूमने निकलता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पे उन लोगों की बात होती है। जलपरी उस पकड़ी हुई जलपरी के बारे में पूछती है तो योंग बताता है कि मरीन लाइफ को बचाने के लिए हमें वहाँ के कुछ जीवों पे रिसर्च करना पड़ता है। इस पर जलपरी उससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। योंग उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो अक्सर जाया करता था। वहाँ पहुंचकर वो जलपरी को बताता है कि यहाँ मैं इससे पहले किसी और के साथ नहीं आया और उसे अपनी माँ का ब्रेसलेट देता है। इसी बीच जलपरी के साथ का एक आदमी वहाँ आता है और योंग के सर पे हथौड़े से वार कर देता है। योंग बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद जलपरी और उसके साथ का आदमी लैब चले जाते हैं। लैब में जाके वो गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी अलार्म बज जाता है। अलार्म बजते ही वहाँ के गार्ड चौकन्ने हो जाते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं। गार्ड्स और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान जलपरी तो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसके साथ का आदमी वहीं पकड़ा जाता है। जब जलपरी पैट्रियार्क के पास पहुंचती है तो पैट्रियार्क उसे बहुत डांटता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और उधर जब योंग ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे प्लान बी के बारे में बताता है और योंग को लैब के अंदर ले जाता है। लैब में अंदर जाकर योंग देखता है उसकी कलीग एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही है। वो जल्दी से जाके उसके ऊपर लगे तारों को उखाड़ फेंकता है। उसका बॉस उसे रुकने के लिए कहता है और सीसीटीवी फोटेज दिखाता है। सीसीटीवी फोटेज में योंग देखता है उसके साथ की लड़की एक दूसरे आदमी के साथ लैब में आके हाथापाई कर रही है। वो कहता है मैंने तो खुद उसके पैरों पर पानी डाला था लेकिन उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। ये सुनकर उसका बॉस कहता है ये एक बहुत दुर्लभ प्रजाति है, इनके बारे में अभी हमें बहुत कुछ नहीं पता है। इसी बीच योंग की कलीग योंग की जेब से फोन निकाल लेती है और उसमें ट्रैकर लगा देती है। योंग जब लैब से निकलकर अपने घर पहुंचता है तो देखता है जलपरी उसके घर पे सो रही होती है। तभी योंग के पास हॉस्पिटल से फोन आता है जिसमें डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पिता की तबीयत काफी खराब है। इसी बीच उसके पीछे जलपरी आ जाती है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है लेकिन योंग उसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। जब योंग वहां बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है तभी जलपरी उसके पिता के पास जाकर अपने गले का मोती निकालकर कुछ जादू जैसा करती है और उसके पिता को होश आ जाता है। उधर योंग का बॉस योंग के फोन में लगे हुए ट्रैकर से पता लगाता है कि योंग कहां पर है। उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो अपनी टीम को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। जब योंग को ये पता चलता है कि उसका बॉस हॉस्पिटल आ गया है तो वो जलपरी को लेकर भाग जाता है और भागकर वो एक ऊंची चट्टान पे पहुंच जाते हैं। वहां योंग जलपरी को एक कहानी बताता है जो एक जलपरी और एक इंसान के प्यार के बारे में होती है। वो कहता है हम दोनों भी इन्हीं की तरह हैं। तभी पानी से निकलकर पैट्रियार्क वहां आ जाता है। पैट्रियार्क को देख के जलपरी कहती है कि जो भी अभी तक तुम्हारे साथ हुआ ये सब नाटक था। और जलपरी कहती है कि आज के बाद से तुम मुझे भूल जाना और पानी में कूद जाती है। तभी योंग का बॉस वहां आ जाता है
और जलपरि को हाथ से निकलता हुआ देखकर वो योंग को बहुत डांटता है। लेकिन अगले दिन योंग फिर से उसी आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां पे वो पहली बार जलपरि से मिला था। जब योंग वहां पहुंचता है तो पैट्रियार्क उस पे हमला कर देता है। वो कहता है, अब क्यों आए हो तुम यहां पर। तभी योंग अपनी जेब में पड़ा ब्रेसलेट निकालता है और जलपरि को दे देता है। असल में ये ब्रेसलेट उसे तब मिला था जब जलपरि की शादी योंग से जबरदस्ती की गई थी। वो ब्रेसलेट उसे वापस करता है और अपने बॉस की आई रेटिना को पैट्रियार्क के हवाले करता है और कहता है कि इससे हम लैब का दरवाजा खोल सकते हैं। पहले तो पैट्रियार्क को उस पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन बाद में पैट्रियार्क और जलपरि उसके साथ चले जाते हैं। वो लैब पहुंचते हैं जहां पर उसका बॉस पहले ही फील्डिंग सजा कर बैठा रहता है। जब योंग पैट्रियार्क और जलपरि को वहां पे लेके पहुंचता है तो उसका बॉस उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि ये छोटे जीव तुम्हारा भरोसा कर लेंगे, ये मुझे पहले से पता था। तभी योंग अपने हाथ में पड़ी एक गैस रिलीज करता है जिससे उसके बॉस को एलर्जी होती है और वो बेहोश होने लग जाता है। उसके बॉस के बेहोश होते ही वो सब लैब में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लैब में एंट्री करते हैं, जलपरि को योंग की कलीग पकड़ लेती है और उसके गले पे चाकू लगा देती है। तभी पैट्रियार्क उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है और वो पकड़ी हुई जलपरियों को छुड़ा लेते हैं। तभी योंग का बॉस योंग का गला दबोच लेता है। उसके पास एक अलग तरह की ताकत आ गई होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, वो बहुत गुस्से में होता है और उसका गला दबाए ही जा रहा होता है। योंग का बॉस कहता है कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तब जाकर ये जियोटॉक्सिन मुझे मिला है और ये टॉक्सिन मेरी ताकत का जरिया है। ये कहकर वो योंग को एक लात मारता है और पैट्रियार्क को भी बहुत मारता है। दोनों उठने की हालत में नहीं होते हैं। तभी वो ऑपरेशन ब्लेड लेके जलपरि के पास पहुंच जाता है और उसके गालों पे एक कट का निशान लगा देता है। तभी योंग पीछे से एक लकड़ी लेके उस पे हमला कर देता है और उसका बॉस उस लकड़ी को छीनकर योंग को उस लकड़ी से मारता है। योंग जमीन पर गिर जाता है, उसके सर से बहुत खून बह रहा होता है। इसी बीच पैट्रियार्क एक जंजीर फेंककर उसके बॉस के गले में फंसा देता है और उसे लटका देता है और योंग का बॉस वहीं लटके हुए तड़प तड़प कर मर जाता है। जलपरि दौड़कर योंग के पास पहुंचती है। योंग उससे कहता है कि अब तुम क्यों आई हो मेरे पास, और जलपरि उससे बताती है कि जो मैंने तुमसे कहा था वो सब झूठ था, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम। तभी योंग की सांसें उखड़ने लगती हैं और योंग मर जाता है। जलपरि अपना खानदानी मोती निकालती है और उसे जिंदा करने जाती है और पैट्रियार्क उसे मना करता है कि अगर तुमने इस मोती से इसे जिंदा किया तो ये सब कुछ भूल जाएगा और वो तुम्हें भी भूल जाएगा। लेकिन इस पे जलपरि हंसती है और कहती है, लेकिन मैं इसको हमेशा याद रखूंगी। ये कहकर जलपरि उसे जिंदा कर देती है और खुद समंदर की गहराइयों में चली जाती है। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।